आज के वीडियो में हम बात करेंगे KVS के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। यहाँ काफ़ी सारे बच्चे जो है इसके एलिजिबिलिटी को लेके कंफ्यूज हैं। तो यहाँ देखिए, अब तो एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन जब एग्ज़ाम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बच्चों को यही डर लगता है कि हमारा किसी भी रीज़न से सिलेक्शन ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि भाई हमारा सही है कि नहीं है या क्या दिक्कत है। तो ऐसे में मेरे सामने एक मैसेज आया था कि भाई मेरे मार्क्स इतने इतने हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस प्रकार से है। जो भी था उनका इशू उन्होंने मुझे शेयर किया, हालांकि मैंने उनकी प्रॉब्लम्स बता दी, लेकिन जो बात है कि वीडियो के थ्रू अगर मैं इस चीज़ को शेयर करती हूँ तो ज़्यादा से आपको समझ में आएगा, और शायद हो सकता है कि ये समस्या केवल उनकी नहीं हो, आप सभी की हो, तो आपको भी इसका समाधान मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, और क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट। अब यहाँ पे जो ये वर्ड्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट, अब एग्रीगेट का मीनिंग क्या है, तो चलिए आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ, आपको कुछ मार्क्स के थ्रू मैं समझाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वालिफिकेशन को हम कैसे समझेंगे कि हम उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, चाहे वो TGT है चाहे वो PGT है, चलिए डिस्कस करते हैं। अब ये मेरे पास एक बैकग्राउंड है, चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। सपोज़ कि यहाँ दो बच्चे हैं, एक रिया है, एक मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, और एक जो है वो प्रिया है। ये दो गर्ल हैं, अब इनका सिलेक्शन होना है। तो अब मैं मार्क्स की बात करूं कि भाई ये ऑल ओवर मार्क्स जोड़ा जाता है, कैसा जोड़ा जाता है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए एक सेकंड मैं यहाँ पे आपको बता दूं। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये आ गया आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और ये रहा थर्ड ईयर, ठीक है। अब जो रिया थी, यहाँ मैं छोटा छोटा कर देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर। तो हमारे पास दो लड़की थी, रिया और प्रिया, ठीक है। तो रिया के जो है फर्स्ट ईयर में मार्क्स कितने आए थे, 40 आए थे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जो है 50 आए थे, और फाइनल ईयर में जो है वो 70 आ गए। तो अब 70 यहाँ मैं परसेंटेज की बात करी, फर्स्ट ईयर में आपके 40% है, सेकंड ईयर में 50% है, और थर्ड ईयर में जो है 70% है। तो क्या रिया का सिलेक्शन हो सकता है TGT पोस्ट के लिए, तो देखिए इनका टोटल क्या होगा, इसका टोटल होगा 160, और तीनों ईयर का है तो हो गया 3, तो ये हो गया 3 × 3 = 15, तो 15, मतलब ये मान लीजिए कि इसका जो होगा 50% होगा, तो ये इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, मैं आपका कंफ्यूजन यहाँ दूर कर दूँ कि यहाँ पे जो रिया है इसके फर्स्ट ईयर में तो 40% ही है, ये एग्जैक्ट पॉइंट पे है, फाइनल में बहुत अच्छा है, 70 लेके आई है, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो 40 ही है, तो क्या इसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अकेला अकेला नहीं देखना, हमें तीनों का मिला के देखना है। तो तीनों का जब मिलाया तो इसके 50% बन रहे हैं, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रिया की। तो प्रिया के मान लीजिए फर्स्ट में आए हैं 50% आए हैं, सेकंड में जो है 70 आए हैं, और थर्ड में जो है 60 आए हैं। तो यहाँ पर तीनों ही बार इसके परसेंटेज कितनी है, 50 से ऊपर है। तो अब इसका सिलेक्शन तो वैसे ही मैं नॉर्मल बता दूँ तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक तीसरी लड़की यहाँ ले लेती हूँ मैं, तो यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। अब यहाँ पे जब मैं बात करूँ कि उसके मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आए हैं, मान लीजिए
एस से कोई लड़की है, ठीक है, उसके 40% फर्स्ट में आए हैं, सेकंड ईयर में उसके 30% आए हैं और फाइनल में जो है उसके 50% आए हैं, तो क्या इसका सिलेक्शन होगा? तो यहाँ पे देखिए, अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 40%। अब 40% वालों का तो सिलेक्शन नहीं होना है, इसमें कितना चाहिए, 50% चाहिए, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये एलिजिबल नहीं है। अब दूसरी किसी लड़की का देख लेते हैं, नेहा मान लीजिए है, उसके फर्स्ट ईयर में तो 70% थे लेकिन फाइनल में 40 आ गए और थर्ड ईयर में 30 आ गए, तो क्या इसका सिलेक्शन होगा? तो चलिए इसको भी टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल हो गया 140 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए इसका भी 40% से अप्रॉक्स कुछ ज़्यादा है, तो क्या होगा, 42% है। अब जो क्योंकि इसका भी अब फर्स्ट ईयर में तो इसके आए थे 70, लेकिन दोनों में क्या है, कम आ गए, तो इनका जो ओवरऑल टोटल है वो 50% नहीं बना। तो इस प्रकार से जो है आपको अपने मार्क्स जो है टोटल कर लेने हैं कि तीनों ईयर का मिला के कितना बनता है। चाहे आपके फर्स्ट ईयर में कम रहे हों, चाहे आपका फर्स्ट ईयर में 50 से कम हो, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर, तीनों का मिला के जब है आपका बनता, अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 70 हो, थर्ड ईयर में आपका 30 ही हो और सेकंड ईयर में आपका 50 हो, लेकिन जब इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपका टोटल में 50% से ऊपर, तो जब यहाँ भी आपका टोटल बन जाएगा 50% या उससे ऊपर, तो आपका सिलेक्शन होना है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि एग्रीगेट क्या होता है, तो ये एग्रीगेट इसको बोलते हैं। अब बात आती है कि क्या, अब जैसे आपका सब्जेक्ट है हिंदी, तो क्या तीनों साल हिंदी में आपके 50% चाहिए? तो देखिए तीनों साल आपका वही मिला के जो है 50% होना चाहिए, ये बात सबसे ध्यान में रखिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों का मिला के अगर आपका 50% बनता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि तीनों का कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, 50% वाला जो है एलिजिबल है। 50% से अगर आपका कम है, तो इससे अगर आपका कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इससे ऊपर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको बस 50 पे ध्यान रखना है, जो कि तीनों मिला के, अगर किसी ने 2 साल ही पढ़ा है तो उन 2 सालों में मिला के आपका पूरा होना चाहिए 50%, ये ध्यान में रखिएगा। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से आपको उस समस्या का समाधान बता सकूँ। धन्यवाद।